नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मिक्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनमें कि जीके, जीएस और साथ ही स्टैटिक्स के साथ साथ बिहार का भी स्टैटिक्स जीके इंक्लूड किया हूं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। आप लोगों को ये पता है कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य भारत का उत्तर प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि दूसरा कौन है जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य। महाराष्ट्र है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, सबसे जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर आपका प्यारा राज्य बिहार है। लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो ये होगा आपका बिहार। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और यहीं पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो यही दिए हैं एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया है। और दूसरा, वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया है। ये एक शास्त्री अर्थशास्त्री थे। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड दिल दहला देने वाली एक घटना हुई थी वर्ष 1919 में। इसकी जांच के लिए किस आयोग की गठन की गई थी, हंटर कमेटी की, यानी कि हंटर आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके द्वारा हंटर कमेटी का गठन किया गया था, तो भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी एडविन मोंटेंगो द्वारा। जालियांवाला बाग नरसंहार, यानी कि ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया था, ये था साला जनरल डायर, कमीना था ये बहुत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक नेम ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। राइट आंसर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। वैसे बहुत सारे पुस्तक लिखी है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हर किसी को पता है, यह आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन्हीं जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता ही है, एक है टुवर्ड फ्रीडम और दूसरा नेहरूज इंडिया सेलेक्ट स्पीचेज और वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ अ नेशन एंड एंथियोलॉजी। इनमें यही दो इंपॉर्टेंट है, एक यही वाला, ये पूछा जा चुका है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला प्रश्न है, 1948 में हैदराबाद पुलिस एक्शन का कोड नाम क्या था। वर्ष 1948 में हैदराबाद पुलिस एक्शन का कोड नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और यहाँ पे और कुछ कोड आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ये हो गया आपका ऑपरेशन पोलो, ये 1948 में हुआ था, इसका पर्पस क्या था, एनेक्स हैदराबाद। ओके, इसके बाद जो है आपका ऑपरेशन विजय, ये तो आप इससे जानकारी तो आपको मिल ही गई होगी, पहले भी आप लोग देखे होंगे। ऑपरेशन विजय जो है 1919 से संबंधित है, कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच जो हुआ था, जिसमें कि भारत बहुत अच्छे से जीत हासिल की थी। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये 1984 में हुआ था, स्वर्ण मंदिर के लिए है। और ऑपरेशन राजीव, ये 1987 में हुआ था, कैप्चर सियाचिन क्षेत्र। और ऑपरेशन संकट मोचन, ये 2016 में हुआ था, दक्षिण सूडान से भारतीयों को निकाला गया था।
क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन थे? आपको एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, बिहार के आसपास जितना राज्य है और पड़ोसी देश नेपाल के बारे में ज्यादातर पढ़ें और इस पे फोकस करें। झारखंड एक जमाने में बिहार का ही हिस्सा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन है? आप लोग ये मत समझिएगा कि ये राजनीतिक पार्टी को मैंने इसमें क्यों किया है। देखिए, ये बहुत इससे गहरा संबंध है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक है विनोद बिहारी महतो, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? 1973 में, और 1973 में टाइगर रिजर्व भी भारत में लाया गया था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेन उद्देश्य क्या था, यही के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्य उद्देश्य था झारखंड को बिहार से अलग करना। इसी के वजह से आज झारखंड बिहार से अलग हो चुका है, जिससे बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अभ्रक वगैरह सब तो वहीं चला गया है, अब बिहार में बचा क्या। उसके बाद जो है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? यही था बाबूलाल मरांडी, यही पार्टी के थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? आसान है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, गहराई से आपको बताऊंगा। वैसे तो आपको पता है कि 243 आंसर कर दिए होंगे। ऑप्शन बी है, बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। लेकिन 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, तो उस समय बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी थी? 330। यही के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ। और आपको पता है कि उसके बाद जो है, बिहार से झारखंड अलग हुआ तो सीटों की संख्या कम हुई, बहुत बदलाव हुआ। उसके बाद एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 75। ध्यान रहे, यहाँ पे है बिहार विधान परिषद और ये है बिहार विधानसभा। ओके, लोकसभा में बिहार से कुल कितने सीटों की संख्या है? 40 है। बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? 16। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, झारखंड के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को अलग बसाया था, मतलब उसी के वजह से अलग हुआ। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे जब झारखंड अलग हुआ था? तो ये था आपका वीसी पांडे, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, झारखंड के गठन के समय वीसी पांडे बिहार के राज्यपाल थे। अच्छा, झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर वर्ष 2000 होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक ना, 15 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ था। और झारखंड का गठन 15 नवंबर को ही क्यों हुआ था? क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन मनाए जाते हैं। यहाँ पे आपको ये भी याद हो गया होगा अब कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 15 नवंबर। इसलिए झारखंड वासियों ने इस दिन स्थापना अपने राज्य को किया था। और वीसी पांडे जो कि बिहार के राज्यपाल थे जिस समय झारखंड अलग हुआ था, ये 1999 से वर्ष 2003 तक रहे थे। और मुझे नहीं लगता है झारखंड को अलग नहीं होना चाहिए था, बिहार दोनों मिला रहता तो अभी बहुत डेवलप करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करती है? बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करती है? तो यह है आपका रूस और अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि आपको पता है, पाक जल डमरू किन देशों को बीच में स्थित है? पाक जल डमरू PALK होता है, एल साइलेंट रहता है। पाक से बहुत लोग समझते हैं कि यह पाकिस्तान के बीच है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाक जल डमरू जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है, और उसी तरह बेरिंग जल डमरू मध्य जो है रूस और अमेरिका के बीच में है। और बेरिंग जल डमरू मध्य जो है दो महाद्वीप एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, और यह आर्कटिक महासागर में बोरिंग सागर प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य रूस और अमेरिका के बीच में है, और पाक जल डमरू भारत और श्रीलंका के बीच। अगला प्रश्न, कैस्पियन सागर कितने देश के साथ सीमा साझा करती है? कैस्पियन सागर 5 देशों के साथ सीमा साझा करती है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कैस्पियन सागर और ये 5 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। देख लीजिए कौन कौन है। एक तो यहाँ पे आपका अजरबैजान दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे रसिया, यहाँ पे कजाकिस्तान, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे
ईरान है। ओके, तो ये हो गया आपका 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक ना, देख लीजिए यहाँ पे भी लिखा है अजरबैजान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। और कौन सा सागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा लैंडलॉक जल निकाय है? यही है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर कहाँ है? मध्य एशिया में है। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विच इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ? धरती पर एक्टिव ज्वालामुखी कौन है? तो यह है आपका ओजोस डेल सलाडो। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी किन देशों की सीमा पर है? अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है, अर्जेंटीना और चिली के सीमा पर। और यह समुद्र तल से 6,893 मीटर की ऊंचाई पर है। और चिली का सबसे ऊंचा स्थान कौन है? यही है ओजोस डेल सलाडो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? तो पहले इसका आंसर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? यह है आपका अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन बहुत लोग को ये होता है, ये अल्पसंख्यक देख करके ये यहाँ पे लोग क्या समझ लेते हैं कि अल्पसंख्यक जो है मुस्लिम को कहा जाता है, ठीक ना, ये लोग ये मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा अल्पसंख्यक का मतलब होता है उस धर्म या फिर समुदाय के लोगों की संख्या कम होना, ठीक ना। वैसे भारत में मुस्लिम की संख्या कम है, इसलिए मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग यही समझ लेते हैं कि सिर्फ मुस्लिम ही होता है, ऐसा नहीं है। जैसे पाकिस्तान आप चले जाइए तो वहाँ पे हिंदू की संख्या कम है, तो वहाँ पे हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो गए, ठीक ना। और अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? ये हमें कुछ शैक्षिक प्रतिष्ठानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 17 ये पूछा गया है कई बार। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता उन्मूलन के बारे में है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर केंद्रित है, और अनुच्छेद 30 आपका अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ, किस शासक के दौरान चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग भारत का दौरा किया? ह्वेन सांग भारत किस शासक के समय में आया था? यह भी कई एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन सही जवाब है। तो देखिए चीनी यात्री हर्षवर्धन, सॉरी किधर गया भाई, ह्वेन सांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आया था। और किस शताब्दी में आया था? 7वीं शताब्दी में भारत आया था, और ये 15 वर्ष तक रहे थे इंडिया में। और इसका यात्रा का समय जो है 629 ईस्वी से 645 ईस्वी था। और हर्षवर्धन का जन्म जो है 590 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? वंशेश्वरा के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र के रूप में हुआ था। और हर्षवर्धन ने अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेसर का सिंहासन संभाला था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, महरौली लौह स्तंभ किसने अपने शासनकाल में बनवाया था? महरौली लौह स्तंभ किसने अपने शासनकाल में बनवाया था? यह है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और महरौली लौह स्तंभ जो है दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, अथर्व वेद के पुजारी कौन थे? यहाँ पे लिखने में थोड़ा छूट गया है, अथर्व वेद के पुजारी कौन थे? अथर्व वेद के पुजारी ब्राह्मण थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। और एक आपसे पूछा जा सकता है, ये ऋग्वेद के पुजारी कौन थे? होत्री। सामवेद के पुजारी कौन थे? उदागात्री। यजुर्वेद के अर्धव अर्धव्यू और अर्थव्वेद के ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 16, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्टेब्लिश्ड?
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके माध्यम से की गई थी? राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एक एयरपोर्ट है बिहार के पटना में। और 1934 में मुंगेर में बहुत तबाही वाला भूकंप आया था, बहुत विनाशकारी भूकंप था ये, मुंगेर यही में तहस नहस हुआ था 1934 में। अगला प्रश्न, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर किसने भारत का झंडा फहराया था? 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर भारत का झंडा किसने फहराया था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, मानव जाति के लिए कोई धर्म कोई जाति नहीं कोई भगवान नहीं, ये नारा किसने दिया था? कोई धर्म कोई जाति नहीं कोई भगवान नहीं, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? सहोदरन अयप्पन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और बहुत जगह आप लोग ये देखे होंगे, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारतीय सम्राट के शासनकाल में दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था? जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किया गया है किसके शासनकाल में? शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। वैसे आपको पता होगा शाहजहां आगरा का क्या बोलते हैं ताजमहल भी बनवाए थे, इनके अलावा लाल किला दिल्ली में है जो कि दीवान ए आम दीवान ए खास शाहजहां की रचना है। देख लीजिए, दिल्ली में प्रसिद्ध लाल किला, इसके रंग महल, दीवान ए आम दीवान ए खास शाहजहां की रचना है, इनके अलावा ताजमहल, और ये आपका जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र 63 वर्षीय राजकुमार मुअज्जम, जिसे बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है, ये सम्राट बने थे। और बहादुर शाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? खफी खान। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि शाह ए बेखबर की उपाधि किसको दिया गया था? बहादुर शाह को। शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु कौन थे? जिस तरह महात्मा गांधी जी के धार्मिक गुरु या फिर गुरु थे, उनका नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले। उसी प्रकार शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और समर्थ रामदास के प्रसिद्ध साहित्य का नाम आपको क्या याद है? तो देखिए, श्रीनाथ ग्रंथराज, दास बोध, मानेक श्लोक और मारुति स्रोत जो है, ये सब समर्थ रामदास के प्रसिद्ध साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में रंगीत बांध स्थित है? बहुत कम ही लोग इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। रंगीत बांध जो है सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। रंगीत बांध किस नदी पर बनाया गया है? रंगीत या फिर रंगेट नदी, ओके। और यह नेशनल हाइड्रोक्लोरिक क्या लिखा है बाबा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित है, ये आपका रंगीत बांध। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का कौन सा राज्य बिहार के अधिकांश जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नेपाल के साथ बिहार की कितनी जिला अपनी साझा करती है, तो वो थी आपका 7। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य है जो बिहार के अधिकांश जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अगर आप लोग मैप देखे होंगे इंडिया की और बिहार की, तो आप तो इसे आसानी से कर पाइएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, उड़ीसा जो है बिहार को अब टच ही नहीं करती है, क्योंकि बिहार और उड़ीसा के बीच में झारखंड आ चुका है, और झारखंड ही सबसे ज़्यादा बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करती है, यानी कि अधिकांश जिलों के साथ।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेपाल के साथ कुल मिलाकर 7 जिले बिहार की सीमा अपनी साझा करती है और पश्चिम बंगाल के साथ मात्र 3 जिला अपनी सीमा साझा करती है और उत्तर प्रदेश के साथ 7 जिले अपनी सीमा साझा करती है बिहार का और झारखंड के साथ 8 जिले अपनी सीमा साझा करती है। यानी कि बिहार का सबसे सीमा साझा करने वाली राज्य जो है झारखंड है, जो कि 8 जिला है। क्वेश्चन नंबर 24, करकट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बड़ा ध्यान से करें, मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग कोई कर पाइएगा, 1% मैं मान के चलता हूं कि आंसर कर पाएगा। कर्कट जलप्रपात किस राज्य में है? तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रख दिया है, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए ले आया। तो देखिए, कर्कट जलप्रपात जो है आपके राज्य में ही है, बिहार में ही है। तो आपको ये पता है कि कर्कट जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? कैमूर जिला में है। कैमूर जिला का मुख्यालय कहाँ है? भभुआ। और बिहार में सबसे बड़ा वन्यजीव आवास कहाँ है? यही है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर कैमूर वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, और भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मुंगेर में। और एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में, बताइएगा तो किस जिला में है। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये तो 99% व्यक्ति जो है, यानी कि स्टूडेंट्स, इसे सही कर पाएंगे। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मुगल सराय का बदला हुआ नाम है, ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और स्टेशन में सबसे बड़ा एशियाई रेल मार्शलिंग यार्ड है और मुगल सराय में सबसे बड़ी भारतीय रेलवे वैगन मरम्मत कार्यशाला स्थित है। इसी प्रकार 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न है आपके लिए, भारत का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको मैं आज यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इससे हम जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। देखिए, एनर्जी चाहिए किसी भी काम करने के लिए, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं बिहार पुलिस का, यानी कि कल वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बिहार पुलिस का स्पेशल प्लेलिस्ट मिल रहा है और यहाँ पे आपके सामने चैनल है, इसे आप जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।